कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को करना चाहता है और उसमें सफलता विफलता के लिए वो विवेक करे तो देखो सबसे बढ़िया काम वो होता है जिसमें सफलता और विफलता का विचार छोड़कर अपने अंतकरण की शुद्धि के लिए अथवा भगवत प्रसाद के लिए किया जाता है। ये सफलता और विफलता तो सांसारिक होती है, ये केवल कर्म करने से नहीं होती, इसमें कुछ थोड़ा अदृश्य भी चाहिए, पूर्व जन्म के कर्मों की सहायता, कुछ प्रारब्ध भी चाहिए, कुछ देवता की सहायता भी चाहिए, कुछ अपना उत्साह भी चाहिए। तो किसी कर्म की सफलता या विफलता तो न अपने हाथ में है और न विवेक के द्वारा वो जानी ही जा सकती है कि ये सफल होगा कि विफल। इसलिए इस समय जो काम हम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, और सही होने का अर्थ है कि उससे हमारे कर्तव्य का पालन हो रहा है। एक यदि आप अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं तो सफलता विफलता तो डालिए कोई नहीं, कोई जरूरत नहीं, आपके अंतःकरण की शुद्धि होती है उससे, तो उससे भगवान की प्रसन्नता होती है। उससे कर्ता का स्वरूप क्या है, ये करने वाला कौन है, कराने वाला कौन है, ये जिज्ञासा उदय होती है क्या? क्या कर्म करते समय ब्रह्म में ये कर्म बिल्कुल है ही नहीं, ये निश्चय आपका है क्या? तो जो आप कर्म करते हैं उसकी सफलता इसी में है कि आप जिस समय कर रहे हैं उस समय अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, अंतःकरण शुद्ध कर रहे हैं, भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं, तब तो आपका कर्म सफल है। और यदि आपका कर्म अंतःकरण शुद्धि के लिए नहीं है या भगवत प्रसन्नता के लिए नहीं है तो आपका वो कर्म विफल है, विपरीत फल देने वाला है। कर्म का स्वरूप इसी समय जाहिर हो जाता है। यदि आप करके कोई काम करके और थक के सो जाते हैं, कर्म ने आपको तपोगुण में ढका दिया, ढकेल दिया कर्म ने, यदि कर्म करते समय आप चिढ़ जाते हैं, कुड़ जाते हैं, तो उसने रजोगुण में आपको ढकेल दिया। कर्म करने के बाद अंतःकरण में वो प्रसन्नता होनी चाहिए, कर्म करने से पहले तो होना चाहिए उत्साह, और कर्म करते समय होना चाहिए संतोष कि मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूं, और कर्म करने के बाद होना चाहिए अंतःकरण शुद्ध, प्रसन्न, निर्मलता। और यदि कर्म करके आप थक जाते हैं, कर्म करके किसी को गाली देने लगते हैं, कर्म करने से और वासना बढ़ती है, तो आपका कर्म आपको विफल नहीं कर रहा है, अधोगति को ले जा रहा है, आप नीचे जा रहे हैं उस कर्म को करके। ओम शांति। वाह वाह अनुभवी महात्मा जी, देखो आपका ये जो प्रश्न है वो व्यवहार है और इसका जो उत्तर है वो भी व्यवहार है, प्रश्न भी व्यवहार, उत्तर भी व्यवहार। और आपका अनुभव जानता क्यों, आपके अनुभवी होने में कोई शंका नहीं है, आप प्रश्न भी कीजिए और उत्तर भी कीजिए, व्यवहार और परमार्थ का समन्वय है हो ही रहा है। अनुभव में आप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त परमात्मा है या चेतन अमल सहज सुख राशि परमेश्वर के अंश है, और ये नहीं है तो अनुभव क्या है?
और है आप साक्षात नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त चेतन अमन सहज सुखराशि। और देखो प्रश्न का व्यवहार करते हैं, उत्तर का व्यवहार करते हैं, आपके शरीर से व्यवहार हो रहा है और आप स्वयं परमार्थ में स्थित हैं। क्या बढ़िया गीता ने कहा है, नैव किंचित करोमि इति युक्तो मन्येत तत्भवेत्। क्या है, पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। अब यहाँ जो पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् है, ये सब व्यवहार है। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अस्नन गच्छन स्वपन श्वसन प्रलपन विसृजन ग्रहणन कति ही जा रहे हैं, नींद भी दे रहे हैं। उन्मिषन निमिषन नपी, उन्मेष निमिष का भी व्यवहार हो रहा है। सारा व्यवहार इंद्रियों से विषयों में हो रहा है। इंद्रियाणि इंद्रियार्थ सुवर्तन से, हाँ इंद्रियों का अर्थ विषय। और आप नहीं वो किंचित करो में थी, आप परमार्थ में स्थित है, इससे बढ़िया समन्वय और क्या हो सकता है कि दुनिया बन रही है और बिगड़ रही है, आप क्यों कहते हो अपने स्वरूप में स्थित। और देखो कराने वाले जो भगवान है, नजर उस पर हो जो कराने वाला है। अब ये देखो भक्ति की बात है, ईश्वर सर्वभूताना हृदय से जनत स्थिति, सबके हृदय में भगवान ऐसे खड़े रहते हैं महाराज, कभी हटते नहीं। स्थिति का अर्थ होता है अचल। स्थिति पद का अर्थ संस्कृत में होता है गमनादि क्रिया शून्य, गति निवृत्त हो। कहीं भगवान जाते नहीं हैं और उनके सान्निध्य से ब्राह्मण सर्वभूतानी यंत्रानि माया, ये मशीन पर जीव बैठा हुआ है, मशीन पर मशीन चलती है, यंत्र माने मशीन, एक एक मशीन पर जीवात्मा बैठा हुआ है, चलती है मशीन और मालूम पड़ता है कि मैं चल रहा हूँ। तो जीव तो भ्रम में पड़ के मशीन के चलने को अपना चलना मानता है और ईश्वर वहीं रहता है, अचल रहता है, अपने को चलने वाला नहीं मानता। ईश्वर अपने को चलने वाला नहीं देखता, जीव अपने को चलने वाला देखता है। और असल में न जीव चल रहा है, न ईश्वर चल रहा है, यंत्र चल रहा है। और वो भी जादू का यंत्र है, सच्चा नहीं है। यंत्रारूढ़ानि मायया, माया का एक यंत्र बना, उस पर जीव बैठा है, चलता है यंत्र। यंत्र बने शरीर हो, इसमें बैठ गया जीव, इसको मान लिया मैं मेरा, इसके कर्म को समझता है अपना कर्म और परमात्मा जो है वो टुकुर 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 देखता रहता है। नहीं वो कुर्बन न कारयन, न करता है न कराता है, एकदम बांधा। जैसे दो आदमी को लड़ा करके और कोई तीसरा आदमी तमाशा देख रहा हो, ऐसे ये बांगड़ महाराज, बांगड़ माने हरियाणा का नहीं तो दो आदमी लड़ रहे हैं और वो देखते देखते मजा दे रहा है। कि यदि लड़ने वालों को ये मजा ये मालूम पड़ जाए कि मालिक हम लोगों को लड़ाकर तमाशा देख रहा है, तो लड़ने का भी मजा आ जाए। यही तो व्यवहार है। और पहले लोग कबूतर लड़ाते थे, हाथी लड़ाते थे, दो लड़ा लड़ा के रजवाड़े में मजा लेते थे,
ऐसे ईश्वर तो मजा ले रहा है, आपको लगे कि हमारे मालिक को मजा आ रहा है तो आपका व्यवहार परमार्थ हो जाए। ओ शांति।